मधेपुरा के केपी महाविद्यालय में एनओयू का खुला अध्ययन केंद्र। अब यहां 105 पाठ्यक्रमों के अध्ययन पाठ्यक्रमों की होगी सुविधा उपलब्ध। मौके पर पहुंचे कुल सचिव धनश्याम राय ने पहले तो की कॉलेज का निरीक्षण और बाद में किया नालंदा ओपन खुला विश्वविद्यालय के तहत महाविद्यालय में फीता काटकर उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसी भी कोर्स में नामांकन पर महिलाओं को मिलेगी 25% की छूट। अब परीक्षार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा मुख्यालय से दूर, जल्द ही प्रमंडलीय परीक्षा केंद्र की भी सुविधा होगी उपलब्ध। वहीं आयोजित कार्यक्रम के मौके पर कुल सचिव डॉक्टर धनश्याम राय ने कहा कि यह अद्भुत संयोग है कि एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जवाहर पासवान ने बीएन मंडल विश्वविद्यालय को लिखित आवेदन दिया था, जिसके बाद कुलपति के निर्देशन में अध्ययन केंद्र खोलने का प्रस्ताव हमारे पास आया और आज मैं निरीक्षण उपरांत अनुमोदित कर अध्ययन केंद्र कोड आवंटित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कई अन्य सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, साथ ही इस इलाके में वंचित समाज के छात्रों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जरा और क्या कुछ कहा कुल सचिव ने, आप भी खुद सुनिए। महाविद्यालय में आया हूँ और मैंने महाविद्यालय का निरीक्षण किया, निरीक्षणोपरांत यह कार्यक्रम है और आज इनका स्टडी सेंटर का स्थापना भी हो जाएगी और हम इनको एक घंटा के बाद इनको कोड भी अलॉट कर देंगे ताकि आज से ही बच्चे यहाँ नामांकन ले सके। तो ये नालंदा खुला विश्वविद्यालय 1987 में जिसकी स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य था कि सुदूर पूर्व में जो बच्चे बच्चियाँ लोग रेगुलर मोड में अध्ययन नहीं कर पाते हैं, वे लोग नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अपना अध्ययन करें, डिग्री प्राप्त करें और हुनर प्राप्त करें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय का भी आह्वान है स्किल इंडिया का, तो स्किल इंडिया का भावार्थ है कि सारे लोग हुनरमंद बने। तो हुनरमंद का सारा कोर्स नालंदा खुला विश्वविद्यालय के पास है और अभी सकल नामांकन अनुपात बिहार का 14.2% है, जिसे 2035 तक 30% करने का लक्ष्य है और बिहार सरकार के सामने भी यह लक्ष्य है और सरकार भी प्रयास कर रही है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाया जाए और पूरे बिहार में डिस्टेंस मोड में मात्र नालंदा खुला विश्वविद्यालय है। भारत का सकल नामांकन अनुपात 27% है, जिसे 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है और बिहार में 30% तक का लक्ष्य है और सरकार की आशा है। ये थी हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट मधेपुरा से।